दोस्तों आप भी भारतीय टीम को एक जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला टेस्ट मुकाबला बड़ा ही जबरदस्त रहा। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दमखम से अंग्रेजों के घोड़े खोल दिए। अगर पांचवा दिन बारिश के चलते रद्द ना किया जाता तो इस मुकाबले में भारतीय टीम को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। दोस्तों जहां भारतीय प्रशंसक टीम के प्रदर्शन को देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न है, वहीं पाकिस्तानी दिग्गजों ने एक बार फिर भारतीय टीम के लिए खूब जहर उगला, जिसको सुनने के बाद तो आप भी आग बबूला हो जाएंगे। तो चलिए बताते हैं आपको पाकिस्तानियों के बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में से कौन जबरदस्त टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बता दें एक बार फिर भारत के लिए जहर उगलते हुए पाकिस्तानी टीम के पूर्व बल्लेबाज शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारतीय टीम खुश नसीब है कि वो बारिश के चलते पांचवें दिन शर्मनाक हार देखने से बच गए। अगर बारिश ना होती तो इंग्लैंड के गेंदबाज अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजी कर्म को पैरों तले रौंद देते। भारतीय टीम अपनी अच्छी किस्मत के चलते पहले मुकाबले में हार का सामना करने से बच गई, लेकिन भारतीय टीम की अच्छी किस्मत दूसरे टेस्ट मुकाबले में नहीं चलेगी और इंग्लैंड की टीम के गेंदबाज एक बार फिर भारतीय टीम के बल्लेबाजों को अपनी स्विंग होती हुई गेंदबाजी से खूब नचाते हुए नजर आएंगे। वो दावा करते हैं कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में बुरी तरीके से हार का सामना करेगी, क्योंकि भारतीय टीम में इंग्लैंड को हराने का बिल्कुल भी दमखम नहीं है। दोस्तों वही अगर बात की जाए तो शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए कहा कि भारतीय टीम के बल्लेबाज इंग्लिश गेंदबाजों के सामने दिक्कतों में ही नजर आएंगे। इन बल्लेबाजों को इतना एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी इन बल्लेबाजों के पास इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। उनको तरस आता है कि उन लोगों पर जो ये मानते हैं कि भारतीय टीम विश्व की नंबर वन टेस्ट टीम है, अगर कोई ये मानता है कि भारतीय टीम में इंग्लैंड की टीम को हराने की दमखम है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि ना ही भारतीय बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने की क्षमता है और ना ही भारतीय गेंदबाजों के पास इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिक्कतों में डालने की कला है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को चारों खाने चित कर देगी। दोस्तों वही अगर बात की जाए तो वसीम अकरम ने काफी दिलचस्प था बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारतीय टीम के पास किसी भी टीम को उन्हीं के घर में हराने की पूरी क्षमता है, क्योंकि भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक शानदार खिलाड़ी मौजूद है। जिस टीम में रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज हैं, उस टीम को कमजोर समझने की गलती कोई गलती से भी नहीं करना चाहेगा। भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने पहले टेस्ट मुकाबले में बड़ा ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया था। अगर पांचवें दिन बारिश के चलते मुकाबला रद्द ना होता तो भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत निश्चित थी। वो तो इंग्लैंड की टीम खुशनसीब थी कि मुकाबले में बारिश हो गई और उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन को यही जारी रखते हुए इंग्लैंड की टीम को जबरदस्त टक्कर देगी और इस मुकाबले में जरूर जीत हासिल करेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दूसरा टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।